नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं सुलेखा गढ़ीवाल एंड द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अभी हम जबलपुर पहुंच चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेंटिंग प्रोजेक्ट है वो यहीं है। सो इसके लिए पेंटिंग के लिए हम यहां पे आए हैं और अभी मेरी मीटिंग हो गई है, मैंने फील्ड चेक कर ली है। सो यहाँ पे आंगनबाड़ी है, वहाँ पे मुझे पेंटिंग करनी है और तो उसके लिए हमारी मीटिंग हो गई है। हमने फील्ड चेक कर लिया, हमारा सारा काम हो गया। अब हम जाएंगे आर्ट स्टोर, कुछ कलर्स खरीदने हैं एंड कुछ ब्रशेस खरीदने हैं, तो वो सब हम आर्ट खरीदेंगे एंड देन वर्क स्टार्ट करेंगे कल से। ओके, सो अभी हम आर्ट स्टोर चलते हैं। सो गाइज, ये हम पहुंच चुके हैं वैभव आर्ट एंड क्राफ्ट। अब यहाँ से हम कुछ स्टेशनरी पिक करेंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया नेक्स्ट डे और हम आ चुके हैं हमारी फील्ड पे पेंटिंग के लिए और यू कैन सी मैंने स्टार्ट भी कर दी है। तो अभी हम करेंगे पेंटिंग। अभी हम कुछ बेसिक सा करते हैं, कुछ आंगनबाड़ी है तो थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड ही कुछ बनाना होगा बच्चों के लिए। तो अभी मैं बनाऊँगी इस पर, ये पूरा येलो बेस करके इस पर बनाऊँगी मैं ABCD, कुछ ऐसा जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हों, वो अट्रैक्शन के साथ स्टडी भी कर सकें अपनी। तो हम ऐसा कुछ करेंगे क्योंकि आपको भी पता है आंगनबाड़ी में बच्चे स्कूल के पहले आते हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं तो वो उतना बैठ नहीं पाते, बट उनको पेंटिंग्स दिखेंगी, कलरफुल चीज़ें दिखेंगी तो वो अट्रैक्ट होंगे और वो पढ़ भी लेंगे। सो देखते हैं हम कितना अपने उसमें सक्सेस होते हैं। सो गाइज, अभी हम बनाएंगे कार्टून की पेंटिंग करेंगे और मुझे कार्टून्स बनाना बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी ना, जब मैं स्कूल में थी तो मैं कार्टून्स बहुत बनाती थी। मेरी हर एक नोटबुक में एक एक कार्टून्स बना होता था फ्रंट पेज पे, स्पेशली वो बारबी वाली, जो वो बारबी डॉल्स होती थी ना, वो 5 या 7 थी तो उसमें जो ब्लू वाली उसकी ड्रेस बहुत अच्छी रहती थी सिंड्रेला, तो मैं उसको बनाती थी और उसको तो मैंने काफ़ी टाइम तक वो मेरी नोटबुक में थी और फिर मैंने उसे नोटबुक से निकाल के कबर्ड पे लगा दिया था। तो मुझे ये सब बहुत पसंद है और अभी भी स्टिल मैं कार्टून्स बनाते हुए बहुत इन्जॉय करती हूँ। कार्टून्स अच्छे होते हैं यार, अच्छे लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और मैं आंगनबाड़ी में भी उनको इसलिए बना रही हूँ ताकि कार्टून्स तो बच्चों को पसंद ही होते हैं तो वो आए देखें और बैठें, तो जब वो आके देखेंगे ना कार्टून्स बने हुए तो वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे, उनका मन लगेगा यहाँ पे। तो शायद यही उन टीचर का मोटिव है और यही मेरा।
सो गाइज अभी हम इस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं एंड वीडियो को मैं यही एंड कर रही हूँ। इसकी कंप्लीट पेंटिंग मैं लास्ट में इसकी एक क्लिप डाल दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।